कॉमर्स इज द कंडक्ट ऑफ ट्रेड एमोंग इकोनॉमिक एजेंट्स। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं कृष्णा। आज हम बात करेंगे कॉमर्स के बारे में। अक्सर लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आता है कि आखिर ये कॉमर्स क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका जीवन में क्या प्रयोग है। हम इन सभी चीजों के ऊपर बारीकी से बात करने वाले हैं कि दोस्तों ये कॉमर्स आखिर होता क्या है। कहीं ना कहीं जो एक वस्तु उत्पादित होती है वो कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति जो जरूरतमंद होता है उस तक पहुंचता है, दैट इज कंज्यूमर। तो ये इन दोनों के बीच में जब कोई एजेंट के रूप में काम करता है तो वो ट्रेड जो होता है वो ट्रेड कहलाता है, और वो ट्रेड कॉमर्स के अंतः आता है। मैं आपको बता दूं, आप जब भी कभी ई कॉमर्स के साइट से जब भी कभी कुछ चीजें ऑर्डर करते हैं, कुछ सर्विसेज या फिर गुड्स को ऑर्डर करते हैं, तो वो वहां पे जो भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये भी एक प्रकार का कॉमर्स ही है। बशर्ते इसका नाम हो गया ई कॉमर्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से होता है इसीलिए ई कॉमर्स। अब ये कॉमर्स को हम आपको क्लैरिफाई करते हैं साधारण रूप में। कॉमर्स दो इकोनॉमिक एजेंट के बीच में काम करती है, जो उत्पादक होते हैं और जो उपभोक्ता होता है, इन दोनों के बीच में कॉमर्स का प्रयोग होता है। एक व्यक्ति कुछ सामान खरीदना चाहता है और दूसरा व्यक्ति उस सामान को उस व्यक्ति तक पहुंचाता है। आप भी कुछ काम करते होंगे, आप वो काम सेवा भाव से नहीं करते होंगे नॉर्मली। वैसे होता है सेवा भाव से भी होता है, लेकिन नॉर्मली हम सेवा भाव से काम नहीं करते। हम सभी का मन में कुछ ना कुछ ध्येय होता है कि हमें कुछ ना कुछ समथिंग फॉर समथिंग, कुछ ना कुछ उसका वैल्यू होना चाहिए। तो जब ये दो लोग ट्रेड करते हैं तो इसके बीच में जो इकोनॉमिक काम होता है, जो इकोनॉमिक वैल्यू होता है, वो उस एजेंट को दिया जाता है। एक पार्टी ने कुछ चीजें को प्रोड्यूस किया, दूसरा पार्टी उसे कंज्यूम कर रहे हैं। जब आप प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी कुछ कीमत होती है, और जब आप उसे प्रयोग करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उसकी भी कुछ वैल्यू होती है। तो कहीं ना कहीं हमें ये चीजें सिखाती है कि कॉमर्स जो होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को एक तरह से कंसीडर करता है। सो कॉमर्स इज डिफाइंड एज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज। ये दो और दो से अधिक एंटिटीज के बीच में या फिर कंज्यूमर के बीच में जब हम इसका प्रयोग करते हैं ट्रेड के माध्यम से, तो हम इसको कॉमर्स करते हैं। ये तो आपको स्पष्ट हो गया होगा। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बोला था कि कॉमर्स जो होता है वो एक प्रकार का ट्रेड होता है, और वो इकोनॉमिक एजेंट के बीच में काम करता है। इकोनॉमिक एजेंट कौन हुआ? तो एक पार्टी, जिसको मैंने कहा कि आपने कोई वस्तु या सेवा जो आप उत्पादित करते हैं और जो उपभोक्ता होता है, जो उसका प्रयोग करता है, वो इन दोनों के जो आपसी सामंजस्य होते हैं, इनको हमने एजेंट के रूप में संबोधित किया। और ये इकोनॉमिक एजेंट कहीं ना कहीं ट्रेड करते हैं, और वही कॉमर्स कहलाता है। सो कॉमर्स रिफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज, वी कैन से दैट, बिकॉज हम वैल्यू की भी तो एक्सचेंज करते हैं। पहले के जमाने में गुड्स का एक्सचेंज हुआ करता था, जिसको आप बार्टर सिस्टम भी कहते थे, वो भी कॉमर्स था। हम सभी का जीवन कॉमर्स के इर्द गिर्द ही घिरा हुआ होता है। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, ये एक जेन्युइन क्वेश्चन है जो हम सभी के दिमाग में आता है कि कॉमर्स हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है, क्या हमें कॉमर्स पढ़नी चाहिए या नहीं। ये भी एक बच्चों की क्वेश्चन क्वेरी होती है अक्सर कि हमें कॉमर्स रखनी चाहिए या नहीं। मैं आपको बता देता हूं, अगर आप बिजनेस या फिर आप अकाउंटिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, अगर आपके मन में यह है कि आप अकाउंटिंग फील्ड में कुछ अच्छा करें, तो आपको कहीं ना कहीं कॉमर्स का मदद लेना पड़ेगा, और ये कॉमर्स आपको राम मान की तरह काम करेगा। जी हाँ दोस्तों, आज की दुनिया में कॉमर्स को एक अलग तरह की पहचान मिली है। कॉमर्स दिन ब दिन साइंस की तरह तरक्की कर रही है, तो कहीं ना कहीं हम ऐसा कह सकते हैं कि कॉमर्स का प्रयोग हम सभी के जीवन में अति महत्वपूर्ण है। हम सभी को कॉमर्स का जो प्रयोग है इसको समझना चाहिए। अब एक प्रश्न आता है कि सर ये कॉमर्स के टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं कॉमर्स के? मेरे प्यारे दोस्तों, कॉमर्स के अलग अलग टाइप होते हैं, B2B, B2C, C2B और C2C। C2C नॉर्मली होता नहीं है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर कैसे होगा, बट B2B जो होता है, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, और कंज्यूमर टू बिजनेस, ऐसा भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो B2B, B2C, C2B ये जो टाइप्स होते हैं ये कॉमर्स के टाइप्स होते हैं। सर एक प्रश्न हमारे दिमाग में अक्सर आता है कि
ब्रांचेस क्या है, कॉमर्स के ब्रांचेस क्या क्या है, तो सुनिएगा, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सभी इनके ब्रांच है। सर ट्रेड में क्या होता है, अभी हमने आपको ट्रेड के बारे में पूरा बताया, अब फिर से देखिए, जब दो इकोनॉमिक एजेंट किसी भी गुड्स या सर्विसेज के लिए एक्सचेंज करते हैं या उसके ऊपर फोकस करते हैं किसी ना किसी वैल्यू के लिए, तो वो ट्रेड हो जाता है। सर ट्रांसपोर्ट का क्या, देखो आपने, आपको पता है दुनिया में सबसे अधिक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चलता है। आपको हम बताते हैं इंश्योरेंस के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में आपको पता है हर आदमी का इंश्योरेंस होता है। आप जाकर के रेलवे का टिकट काटिएगा तो 50 पैसा उसमें इंश्योरेंस का काटेगा। आप जाकर के किसी भी बाइक का लाइसेंस लीजिए, उसके साथ आपको इंश्योरेंस का बनाना पड़ता है। कहीं ना कहीं आपको ए टू जेड चीजों में इन्वॉल्व होना पड़ता है, LIC से लेकर के अंतिम अंतिम बीमा तक। मतलब इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा कॉमर्स का पार्ट है। सर एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग हम आपको बताएंगे, एडवर्टाइजिंग आपको पता नहीं है, एडवर्टाइजिंग दुनिया का सबसे बड़ा कॉमर्स का एक अड्डा बन चुका है। हर एक कंपनी एडवर्टाइजिंग के लिए काम करती है। वेयरहाउस, वेयरहाउस में भी ठीक ऐसे ही होता है, चीजों को स्टोर की जाती है और उसमें भी वहां पर भी वैल्यू का एक्सचेंज होता है, गुड्स का एक्सचेंज होता है, और कहीं ना कहीं यह भी कॉमर्स का पार्ट बनता है। तो सर कॉमर्स के जो ब्रांच हैं ये याद रखिएगा, ट्रेड, आप ABCD से लेकर जेड तक का जो भी ट्रेड करेंगे वो इसमें आ जाएगा। सर ट्रांसपोर्ट, कहीं से भी कहीं से ट्रांसपोर्ट हो रही है वो भी कॉमर्स के एक ब्रांच हो जाएंगे। इंश्योरेंस, सर ये भी एक ब्रांच हो गया, हाँ इंश्योरेंस अभी कुछ देर पहले बात किए थे। इसके बाद एडवर्टाइजिंग, हाँ ये भी। बैंकिंग, अरे भैया बैंकिंग, नेट बैंकिंग से लेकर के ATM, पेटीएम जो भी है सब कुछ बैंकिंग, ये सब भी एक पार्ट है कॉमर्स के। इसके बाद आता है एडवर्टाइजिंग, अभी बात किए हैं, और एक बचता है वेयर हाउसिंग, ये सब कॉमर्स के पार्ट होते हैं। तो आपको ब्रांचेस समझ में आ गया होगा, कॉमर्स का मतलब समझ में आ गया होगा, और कॉमर्स के टाइप समझ में आ गया होगा, जैसे अभी B2B, B2C, C2B ये सब हम बात किए हैं। B2B का मतलब हो गया बिजनेस टू बिजनेस, दो एंटिटी आपस में जब ट्रेड करते हैं तो वो B2B कहलाता है, जब दो लोग आपस में ट्रेड करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, B2C या C2B, ऐसे करके जो टाइप्स होते हैं वो हो गया आपके कॉमर्स के टाइप्स। इसके ब्रांचेस बता दिए, इसका मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक से, जिसके लिए हम आपको बताएं अभी थोड़ा देर पहले कि ये ट्रेड जो होता है ये कॉमर्स का एक ब्रांच हो गया दोस्तों, कॉमर्स का एक ब्रांच हो गया। कहीं ना कहीं ट्रेड, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग वगैरह वगैरह, इसी प्रकार से सब कुछ दुनिया का, इस पृथ्वी पर A to Z चीज कॉमर्स से घिरा हुआ है, इसीलिए हम कॉमर्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आपको, अगर आप कॉमर्स रखते हैं तो हमारे देश की जो तरक्की है उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तो चलिए साथ बने रहिए, हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, हम बात करेंगे उसमें और भी अलग अलग टॉपिक्स पर। वैसे हमारे इस चैनल पर आपको तरह तरह के कंटेंट मिल जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद।